Shankarbhai Vegad. Shankarbhai Vegad. 2 to 3 minutes. Like five minutes. Yeah. रेलवे अभिसरण समिति द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 15-16 के लिए लाभांश को सुनिश्चित करने के लिए की गई अनुशंसाओं को लागू करने हेतु इस संदर्भ में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा हेतु आपने मुझे समय दिया, उसका मैं आभारी हूँ। महोदय, रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा है। ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जनसाधारण के मध्य यात्री तथा माल दोनों प्रकार के यातायात का सुगम तथा सस्ता साधन रही है। भारतीय रेल आम जनता के बीच सरकार की एक चलती फिरती पहचान है। राष्ट्र के संवर्धन में इसकी क्या भूमिका रही है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। भारतीय रेल देश में 25 लाख से अधिक परिवारों का जो कि या तो इसके कर्मचारियों या पेंशनरों को सीधे तौर पर पोषण भी करती है। कुछ समय से सरकार की बदली हुई प्राथमिकताओं के चलते रेल की इतनी महत्व प्रदान नहीं की जा रही थी। हालांकि वर्तमान सरकार ने रेल को प्राथमिकता देने प्रारंभ कर दिया है, पर अब भी देश का फोकस मुख्य सड़क क्षेत्र पर की उसकी विकास के लिए जा न तो संसाधनों की कमी है न प्राथमिकताओं की, साथ ही उसे सरकारी मदद तथा निजी क्षेत्र का भरपूर सहयोग मिल रहा है, पर रेलवे के लिए सीमित मात्रा में ही संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सड़क तथा वायु क्षेत्र द्वारा दी गई प्रतिस्पर्धाओं रेलवे का यातायात किसी न किसी हद तक इन क्षेत्रों की तरफ जा रहा है। यह सर्वविदित है कि रेलवे की विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक पूंजी प्रबल क्षेत्र है। अभी तक का अनुमान यह भी बताता है कि इसकी विकास में निजी क्षेत्र का योगदान हतोत्साहित करने वाला रही रहा है। अगले 5 वर्ष में 8.56 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। अपने आप में महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार को दौरा देखना चाहिए कि यह पूरा हो। रेल की यात्री सेवा पूरी तरह से घाटे पर आधारित रही है। इस सेवा को चलाने के लिए लागत का मात्र 50% ही लोगों को वसूला जाता है। भारत की गरीब जनता का ध्यान रखते हुए इससे अधिक वसूला भी नहीं जा सकता, जिस कारण 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घाटा रेलवे को प्रतिवर्ष हो रहा है। तक इस घाटे की प्रतिपूर्ति माल भाड़े द्वारा हो जाती थी, पर उसकी भी एक सीमा है। सड़क तथा वायु क्षेत्र से मिलने वाली चुनौती के कारण सेवा को अधिक प्रतापित हो रही है। इस अतः रेलवे की उत्तरित केवल सरकार की संकल्प शक्ति पर ही निर्भर होगी। सरकार को यह देखना होगा कि रेलवे को उत्तरोत्तर कैसे अधिक से अधिक संसाधन मुहैया कराया जाए। साथ ही रेलवे को सुधार करने भी बहुत आवश्यक है, जिसकी भारतीय रेल एक आधुनिक रेल बने। उच्च गति रेल चलाना तथा अधिकतर अधिक माल ढोने की क्षमता प्राप्त करना एक उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए कि तकनीकी उन्नति आवश्यक है। साथ ही रेल उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा के अधिकारी है। इन सबसे लिए संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि रेलवे विभाग ही केवल ऐसा महकमा है जो कि केंद्र सरकार का एक भाग होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा निवेशित पूंजी पर लाभांश देता है। इसके अलावा कई ऐसी यात्रा तथा माल सेवाएं हैं जो कि राष्ट्रहित में रेलवे चला रही है, पर इसके परिचालन में रेलवे को बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ता है। रेलवे के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के हेतु न केवल लाभांश संदायित में भविष्य में पूरी तरह छूट दिए जाने की आवश्यकता है। यात्री तथा माल सेवा के परिचालन में होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति की भी सरकार द्वारा की जाती जानी चाहिए। इसके अलावा रेलवे में महत्वपूर्ण परियोजना के लिए विश्लेषक भी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। यदि ये सारे कार्य नहीं किए गए तो रेलवे का जीवन संरक्षण कठित प्रतीत होता है। महोदयों, में इस समिति का पारित किए जाने वाले में अनुसंधान को मैं संकल्प में समर्थन करता हूँ। साथ में एक रेलवे मंत्री को एक सुझाव भी रेलवे के लाभ के लिए देना चाहता हूँ। सब साउथ इंडिया से जो 25 से 30 ट्रेनें आती है वो इलेक्ट्रिकल इंजन का होता है ट्रेन, वो अहमदाबाद आके पड़ी रहती है। उसको सौराष्ट्र यानी अहमदाबाद से वाया सुनगर राजकोट जामनगर से द्वारका तक और पोरबंदर तक और सोमनाथ तक जो उसको लंबाया जाए इलेक्ट्रिक इंजन लगाने के बाद, इलेक्ट्रिकरण करने के बाद, तो पूरी 35 ट्रेनों का लाभ सौराष्ट्र को यात्री को मिलता है। पूरे इंडिया के जो प्रवासी आते हैं द्वारका सोमनाथ और पोरबंदर उसको मिल सके और उसका सही ढंग से उसको यात्रा को यात्रियों को लाभ मिले, ये मेरा सुझाव है और रेलों को भी मुनाफा होगा। ओके, आभार। ओके।